एक राजा था, उसने सपने में देखा एक संत महात्मा कह रहे हैं कि हे राजन, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो सांप तुम्हारे महल के सामने वाले पेड़ की जड़ में रहता है और वो तुमसे पूर्व जन्म का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई और राजा सोकर उठे और अपने सपने के बारे में सोचने लगे कि किस प्रकार इस विषैले सांप से बचा जाए। सोचते सोचते राजा ने विचार किया कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस धरती पर नहीं है। राजा ने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का विचार किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपने सोने वाले कक्ष तक फूलों का बिछोना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करें। रात को सांप अपनी बांबी में से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चलने लगा। सांप जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, राजा के द्वारा की गई स्वागत व्यवस्था को देख देख कर आनंदित होता गया। कोमल बिछोने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रस करता हुआ, जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ वो सांप आगे बढ़ता गया। इस प्रकार उस सांप में क्रोध के बजाय संतोष और प्रसन्नता के भाव बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो सांप आगे चलता गया, वैसे ही वैसे उस सांप का क्रोध कम होता गया। जब वो सांप राजमहल में प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल शस्त्र लेकर खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते। ये असाधारण से लगने वाले दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सब व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्र मुग्ध कर दिया था। कहां वो राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया था। वो सांप सोचने लगा कि हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार हो, उस धर्मात्मा राजा को काटो तो किस प्रकार काटो। राजा के पलंग तक पहुंचने पर सांप का पूरा विचार बदल गया। उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे हरा दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और लो इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। ये महज एक कहानी नहीं है, जीवन की सच्चाई है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्यों को सरल बनाने का उपाय रखता है। यदि व्यक्ति का व्यवहार कुशल है तो वो सब कुछ पा सकता है जो वो पाने की हार्दिक इच्छा रखता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।